कॉन्वेंट स्कूल दे एक दर्जन बच्चे पए बीमार। अचानक बिगड़ी तबियत। गंदा पानी बनी वजह। जिला जुलंधर दे कस्बे नकोदर अधीन पेंदे इस कॉन्वेंट स्कूल विच अचानक उस वेले तरथली मच गई जो एक तो बाद एक करीब दर्जन भर विद्यार्थियों की सेहत खराब होने लगी। बच्चे उल्टियां करन लगे, कईयां दी सेहत इन्नी खराब हुई कि नौबत बेहोशी तक भी पहुंच गई। काली काली च बीमार विद्यार्थियों नूं निजी हस्पताल भर्ती करवाया गया। बीमार बच्चों ने जदो अपनी सेहत खराब होने की वजह दसी तां सब दे पैरां हेठों जमीन खिसक गई। बच्चों मुताबक उन्हें स्कूल विच लगे वाटर कूलर तो पानी पीता सी, जिस तो बाद उन्हें दी सेहत बिगड़ी है। कुछ बच्चों का कहना है कि पानी च बदबू आ रही सी, वाटर कूलर दे विच एक छिपकली ते चूहा भी मरिया पिया सी। बीमार बच्चों के मापिया ने इस लापरवाही ले स्कूल प्रबंधकों खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। बच्चे काफी ज्यादा कई बच्चे उल्टियां करते पे सके, देख के ना मेनू भी हो तरह होने लग गया, उल्टी मैं भी कर लग गया। फिर मतलब कहते ना, फिर मैं उल्टी की थोड़ा थोड़ा ब्लड भी निकला। अच्छा, तो फिर कहते हैं जो वाटर कूलर से ना एक छिपकली तो एक ना मरिया चूहा। अच्छा, तो एक छिपकली जिंदा घूमती भी अंदर। ज्यादा हालत खराब हुई, स्मेल ना उल्टियां वगैरह आने लग गई। तो एक बार उल्टी करके फिर सिस्टर को गए, ऑफिस में गए, उन्होंने कहा, उन्होंने फिर चेक कराया, बच्चे चूहा मरिया हुआ छिपकली होंगे जिंदी घूमती पी फिल्टर दे विच, नॉर्मल टैप्स विच नहीं। मैनू जी हुणे फोन गया सी कि बच्चियां ने गंदा पानी पी लिया ते उहदे नाल इह बीमार होए आ। उधर इस मामले तो बाद भी स्कूल प्रिंसिपल ए मन्नन नूं तैयार ही नहीं कि वाटर कूलर दा गंदा पानी पीण नाल बच्चे बीमार पए ने। उहनां तां बच्चियां दे इल्जामां नूं भी नकार दित्ता है कि वाटर कूलर च पानी गंदा सी ते इक छिपकली ते चूहा उस विच भरिया पिया सी। कारण हमको कोई पता नहीं, उन्होंने बोला उल्टी हो रहा है एक दो बच्चे ने, बाकी सारा बच्चा बोल रहा है हमको दर्द है। हमने इमीडिएटली उसको हॉस्पिटल में दाखिल किया, डॉक्टर का उधर ने टेस्ट कर दिया, कोई नुक्स उन्होंने पकड़ा नहीं अभी तक। सर, बच्चों का आरोप है कि उनका कहना कि पानी में कोई मछली कहते क्या चूहा था या फिर ना, हम नहीं देखा जो कुछ सही है। मैं बोल रहा है बच्चे कह रहे हैं, बच्चा कैसे देखा, देखा ही नहीं। दूजे पास इस मामले विच हैरान कर देने वाली गल ये है कि बच्चों के बीमार होने के करीब 18 घंटे बाद जलंधर के सिविल सर्जन वालों स्कूल बच्चों पानी के नमूने लेने भेजा गया, जिस तो बाद जांच टीम स्कूल पहुंची, जिस मामले विच यह कह के पल्ला झाड़ लिया गया कि उन्होंने जो जानकारी मिली उदो ही पानी के सैंपल लेने पहुंचे। सानू जिहड़ी खबर जदों मिली अहीं नाल दी नाल ही इत्थे आ गए। पर यह घटना तो जी है कल की हैगी, घटना कल की है, पर सू जी मतलब साढ़े तक खबर जी पहुंची है जो पहुंची अं उस टाइम इतने आ। देखो जी, आप जलंधरों भी टीम आई सी, DHO साहब भी आए थे, जो असी पानी का सैंपल उत्थे पानी देखा है उस कुछ नज़र नहीं आया उस वेले, पर उन्होंने सैंपल जरूर ले ले, आप चार जगह तो सैंपल ले लिया पानी के, तो चंडीगढ़ भेजा खरड़ उन्होंने टेस्ट स्टेशन वास्ते टैसटिंग। कॉन्वेंट स्कूल उंज तां बच्चों नूं हर किस्म की बेहतर सहूलत देने लई जाने जांदे ने, पर इस मामले च दाल विच कुछ काला जरूर है, क्योंकि बच्चों दे बीमार होने की पहला तो खबर भी बाहर ना निकली, पर जदों मामला गरमाया तो घटना के 18 घंटिया बाद जाके जांच टीम वालों स्कूल च पानी के सैंपल ले गए, जिस तो यह अंदेशा है कि कथित तौर पर मामले के सबूत मिटा दिते गए होण। जिस वाटर कूलर तो बच्चों ने पानी पीता सी उस नूं
साफ सुथरा करके मुड़ तो साफ पानी भर दिता गया होवे ते पानी के सैंपल ठीक भी निकलन। क्योंकि मसला स्कूल दी साख दा है, पर इस मामले ने स्कूल प्रबंधकों की कार्यकारी ते कई सवाल खड़े कर दिते ने, जो एक निरपक्ष जांच की मांग करते हैं। हुसन लाल, पीटीसी न्यूज़, नकोदर।